तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी इमेज या फिर कोई GIF अपने सर्वर में कैसे लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लगइन का लिंक मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लेना और अपने सर्वर में अपलोड कर देना। और साथ साथ जो है ना, नीचे थोड़ा सा करोगे तो इसके साथ प्रोटोकॉल लिप भी रिक्वायर है, तो हाँ प्रोटोकॉल लिप भी डाउनलोड कर लेना। और ये दोनों प्लगइन डाउनलोड करने के बाद सर्वर में अपलोड करना और सर्वर को रिस्टार्ट कर देना। हम आपको बताते हैं इसको यूज कैसे करना है। सिंपल, आप प्लगइन्स पे जाओ और यहाँ पर यामीपाई का आपको फोल्डर मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करो और नीचे इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इमेज पे फोल्डर पे जाओ और यहाँ पर अब आपने इमेज या GIF जो भी अपलोड करना चाहते हो यहाँ पे अपलोड कर दो। मैं इधर जो है ना, एक इमेज और एक GIF, ये दो चीजें यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, अपलोड हो चुकी है। तो जिस जगह पे आपने वो इमेज या GIF लगानी है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एरिया बना लो। मैं यहाँ पे एक एरिया बना लेता हूँ। ओके, एक मैंने यहाँ पे बना लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 5x5 का जो है, ओके सो मैंने 5x5 का जो है ना एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे बना लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से मैं स्लैश इमेज करूंगा, स्पेस दूंगा, गिव करूंगा, स्पेस दूंगा, आईडी लिखो और स्पेस दो। अब आपको यहाँ पे दो इमेज मिल रही है जो आपने अपलोड की हुई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहली वाली एक ट्राई कर लेता हूँ, वो इमेज है और नीचे वाली GIF है। पहले हम इमेज को ट्राई करते और सिंपल एंटर कर दूं और सिंपल अब स्पेस दूंगा। अमाउंट पूछेगा कितने चाहिए, मुझे अभी एक ही चाहिए, स्पेस दूंगा। अब वो पूछेगा साइज के, आपने इसका साइज क्या रखना, तो मैं 5x5 का रखूंगा, सिंपल 5 लेके स्पेस देके 5 कर दूंगा और एंटर। ठीक है, एक इमेज यहाँ पे ये दे सकते हो आ चुकी है 5x5 की। अब मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पे दे सकते हो एक यहाँ पे लग चुकी हुई है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लग गया। और इस प्लगइन की खास बात बताऊँ भाई, तुम्हें जरा सा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे दे सकते हो मेरा तो शेडर पैक भी लगा हुआ है और बहुत स्मूथ चल रही है। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से स्लैश इमेज करूंगा, स्पेस दूंगा, गिव करूंगा, आईडी लिखूंगा, स्पेस दूंगा। अब मुझे GIF चाहिए, मैं GIF को सिलेक्ट करूंगा, स्पेस दूंगा, कितनी इमेज चाहिए, मुझे भी एक ही चाहिए, एक सिलेक्ट करूंगा, स्पेस दूंगा। अब इसका साइज करूंगा, इसका भी साइज ना 5x5 का रख लूँ। ठीक है, और सिंपल एंटर। और मेरे पास ये इमेज आ चुकी हुई है GIF। अब मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हो ये GIF भी यहाँ पर लग चुकी हुई है। यहाँ पे से मैं स्लैश इमेज टाइप करो, स्पेस दो, रिमूव आपको मिलेगा, रिमूव करो और उसके बाद एंटर कर दो। अब यहाँ पे आपको बोलेगा इस पर राइट क्लिक करने का। अब सिंपल जो है ना, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज देख सकते हो हट गई। अब इसको भी अगर हटाना है, सिंपल रिमूव करो और ब्लॉक पे राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो वो इमेज हट गई। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।